हेलो दोस्तों, आप सब कैसे हैं? उम्मीद करता हूँ सभी अच्छे होंगे जहाँ भी होंगे। चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। एक काफी इंपॉर्टेंट आपको देखने को मिलेगा। आज हम लोग देखेंगे संविधान, जिसको इंग्लिश में आप लोग कॉन्स्टिट्यूशन के नाम से जानते होंगे या फिर पॉलिटी या राज्य व्यवस्था के नाम से भी आप लोग जानते होंगे। इसको हम लोग यूपीएससी और स्टेट पीसीएस लेवल पे हम लोग देखेंगे, यानी कि आप लोग आईएएस की तैयारी करते हैं, पीसीएस की तैयारी करते हैं, तो पीटी और मेंस दोनों के लिए हम इसको देखेंगे। यहाँ पर हम एमसीक्यू की प्रैक्टिस भी करेंगे और मेंस की भी आपको क्वेश्चन बताएंगे, वो आपको लिखना है और बाद में सबमिट करना है। तो ये क्लास नंबर हमारी 22 नंबर की देखने को मिलेगी। चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। और जिन लोगों ने अभी तक हमारे बैच में एडमिशन नहीं लिया, वो लोग एडमिशन ले ले। वहां पर 7 बजे से 9 बजे तक आपकी लाइव क्लासेस हमारी ऐप के ऊपर चलती है। ओके, तो चलिए हम लोग अपने टॉपिक के ऊपर आते हैं। यहाँ पर आपको सभी क्वालिटी की क्लासेस यूट्यूब पर फ्री ऑफ कॉस्ट से पेड क्लासेस हैं जो प्रोवाइड कराई जा रही है। ओके, तो एक लाइक तो बनता है, ज्यादा से ज्यादा लाइक शेयर करते रहे, इसी तरह से आप लोगों के लिए वीडियोस भी प्रोवाइड कराते रहेंगे। ओके, तो देखिए यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा कि आज हम देखेंगे भारत के महान्यायवादी, जिसको अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया बोलते हैं, इसके बाद भारत के महाधिवक्ता, जिसको सॉलिसिटर जनरल बोलते हैं, और आपको देखने को मिलेगा अपर महाधिवक्ता, जिसको एडिशनल सॉलिसिटर जनरल बोलते हैं, और इसी तरह से एडवोकेट जनरल ऑफ द स्टेट होते हैं, जिसको राज्य का महाधिवक्ता बोलते हैं। इनमें बेसिक डिफरेंस क्या होता है और एक स्टोरी के फॉर्म में आपको पढ़ाएंगे, तो आपको बिल्कुल भी तनाव नहीं लेना है, ऐसे आपको याद हो जाएगा। सो के उठेंगे और आप बता देंगे कि चलो उठते हैं, अब आपको पढ़ाते हैं संविधान। ओके, कोई प्रिपरेशन करने की आवश्यकता नहीं है, अच्छे से सुनिएगा। लेकिन जब भी लेक्चर देखिएगा तो कॉपी पेन पास में रखिएगा, ऐसे नहीं है कि आप वो मूवी देख रहे हैं जाकर के, मिर्जापुर सीजन 2 3 आ गया उसको देख रहे हैं जाकर के, ऐसे नहीं। आपको जब भी पढ़ाई करें, किसी की भी आप लोग क्लासेस अटेंड करते हैं, तो एक पेन और कॉपी जरूर अपने पास में रखें और थोड़ा सा अलर्ट होकर के चीजों को सुनेंगे, तो आपका एक भी क्वेश्चन इधर उधर नहीं होने वाला है। इस टॉपिक से 100% क्वेश्चन आपके सही होंगे। सिर्फ अगर करंट में कोई चीज आ जाती है, वो चीज हम आपको बताएंगे कि यहाँ से जाकर के देख लीजिए, और इसके अलावा इस टॉपिक से 100% आपका कवर होने वाला है आज। इससे बाहर क्वेश्चन नहीं पूछे जाएंगे। ओके, चलिए हम लोग चलते हैं अपने लेक्चर के ऊपर और देखते हैं, इन सभी चीजों को समझने का प्रयास करते हैं। तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर दें, इसी तरह से अपना सपोर्ट दिखाते रहें। ओके, तो देखिए सबसे पहले हम आते हैं भारत के महाधिवक्ताओं के बारे में, महान्यायवादी के बारे में। आखिर महान्यायवादी कौन होता है, महाधिवक्ता कौन होता है? देखिए आप लोगों ने देखा होगा कि जहां लोग होते हैं वहां पर झगड़े वगड़े तो होते ही हैं, समस्याएं आती हैं। अब समस्याएं आती हैं तो लोग कहाँ जाते हैं, कोर्ट जाते हैं। उन्हें बहुत सारी चीजों की जानकारी नहीं होती है, तो वो लोग क्या करते हैं, एक वकील को हायर कर लेते हैं। अब सरकार है, उसके सामने भी बहुत सारे मामले आते हैं, बहुत सारे विधि से रिलेटेड चैलेंजेस आते हैं, उनमें सुझाव मांगना होता है। अब सारे नेता होते हैं, अब वो तो संविधान पढ़ के बैठे नहीं, वो तो लॉ इतनी इतनी बड़ी जो बुक्स हैं, आईपीसी सीआरपीसी और बहुत सारी लॉ से संबंधित बुक्स हैं, वो पढ़ के तो नहीं बैठे। तब उनके लिए सपोर्ट के लिए कोई तो चाहिए। अब मोदी जी हैं, अब मोदी जी जाकर के हाई कोर्ट में सुप्रीम कोर्ट में जाकर के तो केस नहीं लड़ेंगे ना, अब उनके लिए कोई ना कोई तो चाहिए यहाँ पर। तो केंद्र सरकार और राज्य सरकारों के लिए वकीलों की आवश्यकता होती है, अपने विधि अधिकारियों की आवश्यकता होती है। तो इसीलिए यहाँ पर कुछ कुछ लोगों को नियुक्त किया जाता है, कुछ पदों का सृजन किया गया है हमारे संविधान में, तो वो आपको देखने को मिलेगा। तो जो पहला पद आपको देखने को मिलेगा, भारत के महान्यायवादी, ये सबसे टॉप पर आपको देखने को मिलेगा। तो भारत सरकार, अब देखिए हमारे यहाँ किस प्रकार की व्यवस्था है, हमारे यहाँ संघीय व्यवस्था है। तो संघीय व्यवस्था में क्या होता है, एक केंद्र सरकार होती है और दूसरी सभी राज्यों की अपनी अपनी सरकारें होती हैं। तो देखिए केंद्र सरकार के लिए अपने विधि अधिकारी होंगे, इसी तरह से राज्य सरकारें हैं, उनके ऊपर भी तो केस वेस चलेंगे, उन्हें भी तो सुझाव चाहिए होंगे, तो उनके जो होंगे वो अलग होंगे। ओके, तो देखिए जो केंद्र सरकार, जो संघ सरकार के नाम से आप लोग जानते होंगे, उसका जो सर्वोच्च विधि अधिकारी होता है, सबसे बड़ा जो सर्वोच्च विधि अधिकारी होता है, वो कौन होता है, भारत के महान्यायवादी, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। लेकिन बेचारा अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया अकेले क्या करे, तो इनकी हेल्प के लिए, इनके सपोर्ट के लिए और भी पद आपको देखने को मिलेंगे। लेकिन हमारे संविधान में जिसका वर्णन किया गया है वो भारत के महान्यायवादी है, इनका वर्णन किया गया है। लेकिन नीचे के जो दो आपको देखने को मिलेंगे, भारत के महाधिवक्ता और अपर महाधिवक्ता हैं,
इनका वर्णन हमारे संविधान में देखने को नहीं मिलेगा। अभी हम साथ विस्तार में बात करेंगे, बस थोड़ा सा आप लोग पेशेंस रखिएगा। ओके, अब इनकी सहायता के लिए आपको देखने को मिलेंगे भारत के महाधिवक्ता भी होते हैं, और इनसे जो नीचे आते हैं वो होते हैं अपर महाधिवक्ता, मतलब एडिशनल, भाई एक्स्ट्रा में भी तो चाहिए थोड़े बहुत। ओके, बुखार खांसी आ गई, किसी की शादी आ गई, कहीं चले गए तो कौन देखेगा भाई। तो एक हायरार्की होती है हर चीज में, आप लोगों ने देखी होगी, तो इसमें भी आपको एक हायरार्की देखने को मिलेगी, इसके नीचे, इसके नीचे, इसके नीचे आपको। ओके, तो देखिए ये कौन है, ये अपर महाधिवक्ता है, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं एडिशनल सॉलिसिटर जनरल बोलते हैं। तो ये भी क्या है, विधि अधिकारी है, लेकिन भाई ये क्या है, नीचे लेवल के देखने को मिलेंगे। अगर आपसे पूछा जाए सर्वोच्च विधि अधिकारी कौन है, तो अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। और ये जो तीनों आपको देखने को मिलेंगे, ये तीनों हैं केंद्र सरकार, या फिर आप बोल सकते हैं जो हमारी संघ सरकार है, उनके विधि अधिकारी आपको देखने को मिलेंगे। अब इसी तरह से हमारी राज्य सरकारें भी होती हैं, तो राज्य सरकारों के लिए भी तो अपना विधि अधिकारी चाहिए, अपना वकील चाहिए ना। तो आपको इसी तरह से देखने को मिलेगा जो दूसरा यहाँ पर भारत का महाधिवक्ता, जिसको बोलते हैं एडवोकेट जनरल ऑफ द स्टेट, ये राज्य सरकार का, ये भी क्या है, ये सर्वोच्च अधिकारी है। क्या है, सर्वोच्च अधिकारी है, मतलब विधि अधिकारी है, सर्वोच्च विधि अधिकारी है, आप लोग नोट जरूर करिएगा, लेकिन सर्वोच्च विधि अधिकारी है, लेकिन कहाँ का, राज्य का। ओके, अपने स्टेट का ये सर्वोच्च है भाई, लेकिन पूरे अगर हम भारत की बात करें तो कौन है, आपको देखने को मिलेगा भारत के महान्यायवादी हैं। तो ये कौन है, ये आपको अपने राज्य का देखने को मिलेगा, अपने स्टेट का देखने को मिलेगा। जैसे यूपी है तो यूपी के भाई, यूपी गवर्नमेंट का अपना होगा, तो सर्वोच्च विधि अधिकारी कौन होगा, राज्य का महाधिवक्ता होगा। तो ये क्या है, इसका संबंध आपको देखने को मिलेगा राज्य से। ओके, तो ये राज्य से संबंधित है। ओके, तो चलिए हम लोग अब वन बाई वन करके बात करते हैं, साफ विस्तार में हमारे संविधान में क्या दिया रखा है। मेंस का क्वेश्चन कैसे पूछा जा सकता है, फिर एमसीक्यूज की भी प्रैक्टिस लास्ट में आपको कराएंगे, और आपको कुछ क्वेश्चन है वो एमसीक्यूज के देंगे भी सॉल्व करने के लिए, बोलो पीडीएफ लगा के कहाँ से डाउनलोड करनी है हम आपको बता देंगे। ओके, तो चलिए सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं भारत के महाधिवक्ता के बारे में, और इसके बारे में ए टू जेड जानते हैं। ओके, तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं भारत के महाधिवक्ता के बारे में। ओके, देखिए अगर हम बात करें भारत के महाधिवक्ता, तो यहाँ पर सबसे पहले आपको एक हेडिंग डालनी है, भारत का महाधिवक्ता, सॉरी महान्यायवादी। ओके, अधिवक्ता बाद में देखेंगे, पहले महान्यायवादी हमको देखना है, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। ओके, तो देखिए इससे संबंधित कुछ इंपॉर्टेंट जो आर्टिकल है वो हम देख लेते हैं, फिर इसके बारे में हम आगे देखेंगे। ओके, देखिए इसके बारे में हम लोग क्या क्या अध्ययन करेंगे, हम इसके बारे में अध्ययन करेंगे इसकी कुछ योग्यताओं के बारे में, कि अगर कोई जो भारत का महान्यायवादी है वो बनना चाहता है तो उसके लिए योग्यता क्या चाहिए। तो योग्यता की हम बात करेंगे, इसके अलावा हम लोग देखेंगे कि इसकी नियुक्ति कौन करता है, इसकी नियुक्ति कौन करता है, इसके अलावा हम देखेंगे इसके कार्यकाल के बारे में। ओके, इसके अलावा हम लोग देखेंगे इसके वेतन के बारे में, कि भाई कितना पैसा पैसा मिलता है, पैसा वैसे वाली बात होती है वहां पर, हम लोग एकदम अलर्ट हो जाते होंगे। ओके, तो इसके वेतन की हम लोग बात करेंगे, और इसके जो अधिकार हैं यानी कि कार्य हैं उनकी हम लोग बात करेंगे, और बाद में हम लोग समीक्षा भी करेंगे, और नोट करके लास्ट में आपको कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट भी लिखाएंगे, ये सारी चीजें। लेकिन पहले हम देख लेते हैं कुछ इंपॉर्टेंट आर्टिकल के बारे में। देखिए आर्टिकल 76 जो कि बहुत महत्वपूर्ण देखने को मिलेगा, एकमात्र आर्टिकल है जिसके अंदर भारत का महान्यायवादी है इसकी बात की गई है। ओके, महान्यायवादी है इसकी बात, इसके पद की बात की गई है। तो देखिए इसमें बोला गया है भारत के महान्यायवादी के बारे में, भारत के महान्यायवादी, महान्यायवादी के बारे में बात की गई। ओके, तो अगर आपसे पूछा जाए जो एकमात्र ऐसा कौन सा आर्टिकल है जिसके अंदर भारत के महान्यायवादी पद का उल्लेख किया गया है, तो आपको आंख बंद करके लगा देना है आर्टिकल 76 है जिसके अंदर इसके पद का उल्लेख किया गया, और संविधान में एकमात्र आर्टिकल देखने को मिलेगा। अब देखिए इस आर्टिकल के अंदर महान्यायवादी शब्द का उपयोग किया गया है, महाअधिवक्ता का उपयोग नहीं किया गया, इसीलिए आपको ध्यान रखना है जो महाअधिवक्ता है
और अपर महाधिवक्ता हैं, इसका वर्णन हमारे संविधान में देखने को नहीं मिलेगा। अभी लास्ट में नोट करके भी आप लोगों को लिखा देंगे, ओके। इसके अलावा देखिए दूसरा जो आर्टिकल आपको देखने को मिलेगा, आर्टिकल 88। देखिए आर्टिकल 88 है वो बताता है, महाधिवक्ता है, इसके संसद से जुड़े अधिकारों के बारे, संसद से जुड़े अधिकारों के बारे में। देखिए एकमात्र ऐसा विधि अधिकारी है, यानी कि ऐसा एक व्यक्ति है जिसे संसद की जो भी बैठक होती है उसमें भाग लेने का अधिकार है, लेकिन मत देने का अधिकार नहीं होता है, ओके। ये बोल भी सकता है उस कार्रवाई में, उस कार्रवाई में जा भी सकता है, पार्टिसिपेट भी कर सकता है, बस क्या है ये वोट नहीं देखा। यानी कि संसद है जो दोनों सदन, उच्च सदन और निम्न सदन है, दोनों सदनों में जाकर के पार्टिसिपेट कर सकता है, इसके अलावा बोल भी सकता है सरकार की ओर से, लेकिन ये वोट नहीं देगा, ओके, मतदान नहीं करेगा, आपको देखने को मिलेगा, ओके। और संयुक्त बैठक में भी ये भाग ले सकता है। इसके अलावा आपको देखने को मिलेगा एक आर्टिकल और है, आर्टिकल 105। देखिए आर्टिकल 105 है वो अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया है, इसकी शक्तियों के बारे में बताता है, इसके बारे में की शक्तियों के बारे में बताता है। इसके अलावा इसके विशेषाधिकार, विशेषाधिकार के बारे में बताता है। इसके अलावा आपको देखने को मिलेगा कि इसकी कुछ प्रतिरक्षा संबंधी शक्तियों के बारे में बताता है। ये तीन आर्टिकल हैं सिर्फ जिन्हें आपको याद करके रखना है, घोल करके पी लीजिए या फिर थोड़ा सा याद कर लीजिए, और इसमें कुछ नहीं है। अब हम लोग देखते हैं इसकी योग्यता के बारे में। अगर आप भी अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया बनना चाहते हैं तो आप कैसे बन सकते हैं, योग्यताएं कैसी है, ओके, एलिजिबिलिटी की बात कर लेते हैं। तो चलिए हम लोग आते हैं थोड़ा सा एलिजिबिलिटी के ऊपर या फिर योग्यताओं के ऊपर, योग्यताएं, ओके, योग्यताओं की बात करें तो देखिए आपको देखने को मिलेगा जो सुप्रीम कोर्ट का जज बनने के लिए जो योग्यताएं चाहिए वही योग्यताएं चाहिए। भारत का जो महान्यायवादी होता है, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया बनने के लिए वही सेम योग्यताएं चाहिए। यानी कि सुप्रीम कोर्ट के जज बनने की योग्यता रखता हो, ओके। इसका मतलब क्या हुआ? अब देखिए सुप्रीम कोर्ट का जज बनने के लिए योग्यताएं क्या क्या होनी चाहिए, तो जब हम आपको सुप्रीम कोर्ट के जज के बारे में पढ़ाएंगे तब आप लोग वहां पर लिख लीजिए, यहाँ पर लिखने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन हम आपको बता देते हैं फिर भी। नंबर एक, सिटीजन ऑफ इंडिया होना चाहिए, मतलब आपको भारत का नागरिक होना अनिवार्य है। दूसरा, आप 5 वर्षों का आपको अनुभव होना चाहिए किसी हाई कोर्ट यानी कि उच्च न्यायालय में आप न्यायाधीश के रूप में हो, यानी कि न्यायाधीश के रूप में हाई कोर्ट में अगर आप 5 साल तक रहे हैं, आपको अनुभव है, तो आप क्या है, योग्य है। या फिर अगर आप लोग न्यायाधीश भी नहीं है तो थोड़ा सा बोलिए, अगर थोड़ा सा सर और थोड़ा सा छूट दे दीजिए, चलो और तुमको छूट दे देते हैं, लिखाई देते हैं आपको। ये क्या हो, भारत के नागरिक होने चाहिए, भारत के नागरिक, ओके। इसके अलावा दूसरा क्या है, किसी भी हाई कोर्ट में 5 साल तक, 5 ईयर तक न्यायाधीश के रूप में हो, ओके, न्यायाधीश के रूप में हो, मतलब इसका क्या होना चाहिए, अनुभव होना चाहिए, कम से कम 5 साल, ओके। अधिक का है तब तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन अभी आप क्या है, न्यायाधीश नहीं है, किसी हाई कोर्ट के नहीं रह चुके हैं, तो कहेंगे कि हम नहीं बन सकते, नहीं, फिर भी बन सकते हैं आप। तब कैसे बन सकते हैं, आपको चाहिए कम से कम आप 10 साल तक किसी हाई कोर्ट में आपने वकालत की हो, यानी कि 10 साल हाई कोर्ट में वकालत करने का आपके पास अनुभव होना चाहिए, यानी कि आपको हाई कोर्ट में 10 साल तक, ओके, 10 ईयर तक वकालत का अनुभव हो, ओके। ये चीज आपको देखने को मिलेगी। आप कहेंगे अरे ये भी नहीं है, तो देखिए इसके अलावा भी एक ऑप्शन होता है जिसमें राष्ट्रपति, ओके, ये ध्यान रखिएगा, छोटा मोटा व्यक्ति नहीं, राष्ट्रपति के नजरिए में ड्राफ्टी से आप क्या हो, एक योग्य विधि अधिकारी हो, या फिर विधि अधिकारी नहीं, आप एक विधि वेत्ता हो, ओके, तो आप क्या बन सकते हैं, एक यहाँ पर अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया बन सकते हैं, ओके। तो ये चीज आपको ध्यान रखना है, एकदम अंदर रख लेना है। चलिए हम लोग देखते हैं नियुक्ति के बारे में थोड़ा सा, कि अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया है, इसकी नियुक्ति
कौन करता है? तो देखिए, अगर हम नियुक्ति की बात करें तो नियुक्ति की जाती है राष्ट्रपति द्वारा। ये काफी महत्वपूर्ण चीज है जो आपको ध्यान रखना है, कौन करता है? राष्ट्रपति द्वारा नियुक्ति की जाती है। ओके, तो भाई शपथ पत्र कौन दिलाएगा, नियुक्ति कौन करेगा? राष्ट्रपति करेंगे। ओके, ये बहुत महत्वपूर्ण बात ध्यान रखनी है। ओके, अब देखिए इसी में एक महत्वपूर्ण चीज है, अगर हम इनके कार्यकाल की बात करें। देखिए नियुक्ति के बारे में तो हमारे संविधान में बताया गया है, लेकिन इनके कार्यकाल और पद से हटाने की प्रक्रिया यानी पद मुक्ति और वेतन, ये चीजें आपको देखने को मिलेंगी, इसके बारे में हमारे संविधान में उल्लेख नहीं किया गया है, ये परंपरा अनुसार आपको देखने को मिलेंगी। चलिए लिख लीजिए। तो अगर हम इनके कार्यकाल की बात करें, तो ये राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद धारण करते हैं। राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद धारण करते हैं। देखिए हमारे संविधान में बोला गया है राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद धारण करते हैं, लेकिन अगर हम व्यवहार की बात करें, नोट करके लिखना चाहते हैं तो लिख लीजिए, अगर हम व्यवहार की बात करें इसका मतलब है कि प्रधानमंत्री यानी कि मंत्री परिषद कि यहाँ पर सहमति होनी चाहिए। या व्यवहार में हम देखें वैसे क्या है, सैद्धांतिक तौर पर अगर हम देखें तो यहाँ पर राष्ट्रपति, क्योंकि राष्ट्रपति सभी शक्तियों को उपयोग कैसे करता है, जो मंत्री परिषद होती है यानी जो प्रधानमंत्री होती है उनकी सलाह पर ही अपनी सारी शक्तियों को उपयोग करता है। तो व्यवहार में ये पावर किसके पास है? प्रधानमंत्री के पास है, लेकिन अगर हम सैद्धांतिक तौर पर बात करें तो ये पावर है ये राष्ट्रपति के पास में है। ये चीज आपको ध्यान रखना है, कभी कभार क्वेश्चन थोड़ा सा ट्विस्टेड कर देता है। ओके, वहां पर व्यवहार लिखा हुआ होगा, आप तो कहेंगे अरे सर ने तो राष्ट्रपति लिखा है, तो व्यवहार और ये सैद्धांतिक क्या होता है? तो आप लोग जानते हैं हमारे यहाँ संसदीय प्रणाली को अपनाया गया। संसदीय प्रणाली में राष्ट्रपति होता है जो देश का प्रमुख होता है, वो नाम मात्र का कार्यपालक होता है, और आपको देखने को मिलेगा जो प्रधानमंत्री होता है उसके पास में सारी शक्तियां होती हैं लगभग में आपको देखने को मिलेंगी, और वो क्या होता है? वास्तविक कार्यपालक आपको देखने को मिलेगा। ओके, तो ये चीजें पहले ही हम आप लोगों को पढ़ा चुके हैं। तो देखिए राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद धारण करता है, यानी कि इनको हटाने की शक्ति भी किसके पास में होगी? राष्ट्रपति के पास में, यानी कि राष्ट्रपति के छत्र छाया में है भाई, जब चाहे तो राष्ट्रपति उठा करके इसको निकाल देंगे। ओके, तो देखिए अगर हम बात करें, देखिए ये लिख लीजिए कार्यकाल से संबंधित, यहाँ पर पॉइंट लिखा देते हैं आपके लिए कि कार्यकाल से संबंधित संविधान में वर्णन यानी कि अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया के कार्यकाल के बारे में, संविधान में उल्लेख नहीं किया गया है, ओके, तो ये क्या है? परंपरा अनुसार आपको देखने को मिलेगा। ओके, तो अगर हम इनके हटाने की प्रक्रिया की बात करें, वो भी हमारे संविधान में, मतलब हटाने की या पद मुक्ति की जो प्रक्रिया है इसका भी वर्णन हमारे संविधान में नहीं किया गया है। तो आखिर हटते कैसे हैं? तो आपको देखने को मिलेगा, देखिए जब भी यहाँ पर अगर मंत्री परिषद यानी प्रधानमंत्री चाहेंगे तो इसको हटा देंगे। ओके, राष्ट्रपति इनको हटा देंगे उनकी सलाह पर, जैसे प्रधानमंत्री बोले अब हमको ये नहीं चाहिए। ओके, अब हमको नहीं चाहिए ये महाधिवक्ता, हमको नहीं चाहिए महान्यायवादी, हमको नहीं चाहिए, तो राष्ट्रपति क्या करेंगे? चुपचाप उसको हटा देंगे। ओके, कोई इसमें कोई विशेष प्रक्रिया आपको देखने को नहीं मिलेगी। लेकिन अगर हम परंपरा की बात करें, नोट करके लिख लीजिए, वैसे ये चीज कोई इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है लेकिन लिख लीजिए, अगर हम परंपरा की बात करें, तो आपको देखने को मिलेगा जब मंत्री परिषद अपना त्याग पत्र देती है, या फिर मंत्री परिषद है जब उसका कार्यकाल पूरा हो जाता है, वो हट जाती है, यानी कि मंत्री परिषद के समाप्त होने पर, सरकार के समाप्त होने पर ये भी भाई समाप्त हो जाता है। ओके, तो ये भी क्या दे देता है? ये त्याग पत्र दे देता है। जब नई सरकार का गठन होता है तो नई सरकार अपना वकील लेकर के आती है, अपना महान्यायवादी लेकर के आती है, अपना अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया लेके आती है। तो परंपरा में क्या है कि मंत्री परिषद के समाप्त होने पर अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया है ये भी क्या कर देता है? अपना त्याग पत्र दे देता है। देखिए हमारे पास जगह ज्यादा नहीं है इसलिए आप लोग अपने मन से लिख लीजिए सेंटेंस को पूरा। ओके, ये चीज आपको समझ में आई। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं और थोड़ा सा देखते हैं इसके बारे में। तो देखिए जो आपको देखने को मिलेगा, ये जो व्यक्ति है अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया है यह है
भारत सरकार का, भारत सरकार का प्रथम या फिर सर्वोच्च प्रथम विधि अधिकारी होता है, विधि अधिकारी होता है। ओके, ये चीज आपको देखने को मिलेगा, या फिर सर्वोच्च विधि अधिकारी होता है। ओके, इसके अलावा अगर हम इसके वेतन की बात करें, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक आ गया, आप लोग क्या हो गए होंगे, एकदम खुश हो गए होंगे, देखते हैं कि कितना वेतन मिलता है। तो देखिए, जो इनके वेतन के बारे में हमारे संविधान में उल्लेख नहीं किया गया है, यानी कि यहाँ पर किसके ऊपर छोड़ दिया गया है, राष्ट्रपति के ऊपर छोड़ दिया गया है, यानी कि राष्ट्रपति तय करेगा भाई, राष्ट्रपति तय करेगा। यानी कि राष्ट्रपति तय करने का मतलब क्या है कि व्यवहार में अगर हम बात करें तो मंत्रिपरिषद यानी कि प्रधानमंत्री के द्वारा इनके जो वेतन है वो निर्धारित किया जाएगा। लेकिन अगर हम परंपरा में देखें तो आपको देखने को मिलेगा जो सुप्रीम कोर्ट के जज हैं उनके बराबर ही इनको क्या मिलता है, वेतन मिलता है। तो सुप्रीम कोर्ट के जज के बराबर, जज के बराबर। ओके, तो सुप्रीम कोर्ट को जितना वेतन मिलता है उतना ही वेतन मिलता है अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया को। ओके, अब आपके दिमाग में सभी क्वेश्चन आता होगा, आखिर सुप्रीम कोर्ट के जज का वेतन कितना होता है, ये चीजें पता नहीं होती है नॉर्मली, चलिए आपको बता देते हैं। तो देखिए, अगर हम सुप्रीम कोर्ट के जज की बात करें, यहाँ पर वैसे इसका टॉपिक नहीं है लेकिन आपको बता देते हैं, अगर हम जज की बात करें, कौन से जज की, सुप्रीम कोर्ट की अगर हम जज की बात करें, तो आपको पता है एक मुख्य जज होता है, क्या होता है, एक मुख्य जज देखने को मिलेगा और आपको अन्य जज भी देखने को मिलेंगे। तो देखिए, जो मुख्य जज होता है उसकी जो आपको सैलरी देखने को मिलेगी, पहले ये 2.5 लाख के करीब में थी लेकिन अभी बढ़ गई है, आपको देखने को मिलेगा 2,60,000 आपको देखने को मिलेगी। ओके, इतनी इनके लिए वेतन दिया जाता है। इसी तरह से आपको देखने को मिलेगा, सॉरी ये नीचे वाले का है, ये ऊपर वाले का हम लिख दिए। ओके, ये आपको देखने को मिलेगा 2,80,000, 80,000 रुपए पर मंथ दिया जाता है। ये पूरे साल का नहीं है, ये पर मंथ की बात कर रहे हैं। ओके, पर मंथ। इसी तरह से जो अन्य जज होते हैं, ओके, उनका जो वेतन होता है वो आपको देखने को मिलेगा 2.60 लाख, यानी कि लगभग 2,60,000 रुपए आपको देखने को मिलेंगे। इसके अलावा इनके लिए एक्स्ट्रा रुपया भी दिया जाता है, जिसको आप लोग भत्ता भी बोल सकते हैं या फिर अलग से अलाउंसेस भी बोल सकते हैं, कुछ भी बोल सकते हैं। तो देखिए, लगभग में आपको देखने को मिलेगा यहाँ पर इन्हें 45,000 रुपए एक्स्ट्रा, मतलब इस वेतन के अलावा 45,000 रुपए एक्स्ट्रा पर मंथ दिया जाता है, और इनके लिए 40,000 रुपए, 40,000 रुपए एक्स्ट्रा पर मंथ दिया जाता है। ओके, ये चीज आपको देखने को मिलेगी। ओके, ये काफी महत्वपूर्ण बात है। ओके, तो समझिए, लगभग में 3 लाख से प्लस पैसा मिलता है। इसके अलावा आवास इनके लिए फ्री मिलता है, इसके अलावा जो नौकर चाकर होते हैं इनके लिए वो भी फ्री मिलते हैं, इसके अलावा आने जाने का किराया, बहुत सारी चीजें जैसे टेलीफोन से संबंधित चीजें हो गई, यात्रा का किराया, सारी सुविधाएं अलग से मिलती हैं इस वेतन के अलावा। तो वैसे इनका वेतन तो आपको लगभग में देखने को मिलेगा 3 लाख से प्लस, मतलब 3.5 लाख के अप्रोक्स में पड़ता है जा करके। लेकिन इसके अलावा जो इनको फैसिलिटी मिलती है, इनकी तनख्वाह से 10-15 गुना ज्यादा खर्च होता है इनके रख रखाव में सिर्फ। ओके, तो वो चीज आपको देखने को, तो समझ सकते हैं 3-3.5 लाख रुपए पर मंथ इन लोगों की वेतन वेतन होता है, जो नगद क्या इन लोगों के लिए मिलता है। तो अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया को भी कितना मिलेगा, लगभग में 3 लाख रुपए सैलरी मिलेगी। ओके, समझ गए आप लोग, तो चलिए आगे बढ़ते हैं, बहुत कुछ जान लिया आप, थोड़ा सा आप लोग सोचने लगे होंगे, अब तो अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया ही बन जाते हैं, मस्त है, या फिर जज ही बन जाते हैं, इतना पैसा ही पैसा है। ओके, आपको जान के हैरानी होगी, जितना जज कमाता है ना, जितना ये जज कमाता है, जो सुप्रीम कोर्ट या फिर हाई कोर्ट का किसी की भी जज की बात कर लीजिए, जितना जज एक महीने में कमाता है, ये सुप्रीम कोर्ट का जो वकील होता है ना, वो सिर्फ 1 घंटे में उतना कमा लेता है, 1 घंटे 2 घंटे, क्योंकि वहां की जो फीस होती है, सुप्रीम कोर्ट के वकीलों की जो फीस होती है, वो सिर्फ 1 से 1.5 घंटे की जो फीस होती है वो लगभग में 5 लाख से 10 लाख के बीच में होती है, ऑन एन एवरेज आपको देखने को मिलेगा, अगर केस है वो ठीक ठाक है। ओके, अगर आप बहुत बड़े वकील की बात करेंगे तो वहां पर 25-25-30-30 लाख भी आपको फीस देखने को मिलेगी, तो 1 घंटे में वो वकील इतना कमा लेते हैं, जो अच्छे वकील आपको देखने को मिलेंगे। ओके, तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं और समझने का प्रयास करते हैं और चीजों को। ओके, और ये ध्यान रख ले, लिख लेना उसमें, कि जो वेतन के बारे में हमारे संविधान में उल्लेख नहीं किया गया है। ओके,
तो चलिए हम इसमें महत्वपूर्ण चीजें यहाँ पर लिख लेते हैं, नंबरिंग कर लीजिए कि एकमात्र लोक अधिकारी है, यह है एकमात्र लोक अधिकारी है, लोक अधिकारी है जिसे संसद की कार्यवाही में, ध्यान से सुनिएगा, संसद की कार्यवाही में भाग लेने का अधिकार है, भाग लेने का अधिकार है। ओके, ये चीज आपको देखने को मिलेगी। ओके, और साथ में आपको देखने को मिलेगा कि जो भी संसदीय समितियां होती हैं उसमें भी इसको नियुक्त किया जा सकता है, लेकिन यहां पर आप लोग लिख लीजिए, लेकिन मत का अधिकार नहीं होता, लेकिन ऐसे ही ब्रैकेट में नहीं, विदाउट ब्रैकेट में लिख देते हैं, लेने का अधिकार होता है लेकिन लेकिन यह है मतदान नहीं करता, मतदान नहीं करता, यानी कि जो प्रस्ताव रखता होते हैं उन पर वो कार्यवाही में बोल भी सकता है, जो भी उससे क्वेश्चन किया जा रहा है वो भी बोल सकता है, भाग भी ले सकता है, लेकिन जब वोटिंग का समय आता है उस वक्त ये वोटिंग नहीं करता। ये चीज आपको ध्यान रखना, क्योंकि ये विधि अधिकारी है, लोगों का प्रतिनिधि नहीं है, ये लोगों के प्रतिनिधि हैं, वो वोट करते हैं, इसीलिए वोट नहीं करता। समझिए आप लोग, ये वोट क्यों नहीं करता, क्योंकि ये लोगों का प्रतिनिधि नहीं है। लोगों का प्रतिनिधि होता तो लोगों के द्वारा चुना गया होता, अब लोगों के द्वारा नहीं चुना गया है इसलिए वोट भी नहीं करता है। ओके, ये मतदान नहीं करता। ओके, ये चीज आपको देखने को मिलेगी। ओके, और दूसरा, जो संसदीय समितियां होती हैं, संसदीय समितियों का जो गठन किया जाता है उसमें इसे चुना जा सकता है, मतलब सदस्य के रूप में, संसदीय समितियों में इसे सदस्य के रूप में, सदस्य के रूप में चुना जा सकता है। ओके, तो ये चीज है काफी महत्वपूर्ण है जो आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा देखिए, पीडीएफ भी आप लोगों के लिए मिल जाएगी, अगर आप लोग लिखते समय हम पेज है मतलब जो स्लाइड है वो अगर चेंज कर देते हैं तो आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं, हमारे व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज कर दीजिए कि सर हमको यहाँ पर पीडीएफ नहीं है, प्रोवाइड करा दीजिए, तो आप लोगों को प्रोवाइड करा दी जाएगी। इसके अलावा अगर आप लोगों ने हमारी ऐप इंस्टॉल की होगी तो वहाँ ग्रुप में भी सेंड की जाती है, व्हाट्सएप ग्रुप में भी सेंड की जाती है, तो कहीं पर भी आप लोग हमसे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। ओके, इसके अलावा आपको देखने को मिलेगा कि इसके पास जो पावर होती है वो काफी पावर देखने को मिलेगी। तो भारत के सभी न्यायालय, भारत के सभी न्यायालयों में, सभी न्यायालयों का मतलब क्या, वो सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, इसके अलावा हाई कोर्ट की जो ब्रांचेस होती है कोई भी कोर्ट ले लो, छोटा छोटा बड़ा सा बड़ा कोर्ट ले लो, हर जगह इसे सुने जाने का इसके पास अधिकार होता है। ऐसा नहीं है कि राज्य सरकार भी हाई कोर्ट है और ये कहाँ केंद्र का है तो इसको अधिकार नहीं है हाई कोर्ट में सुनने का, आपको देखने को मिलेगा इसके पास अधिकार है कि वो सरकार के इधर से जो भी मामले हैं उनको लड़ सकता है, किसी भी कोर्ट में, छोटे छोटे बड़े से बड़े कोर्ट में, यानी कि सरकार का प्रतिनिधित्व कर सकता है। ये चीज आपको देखना, भारत के सभी न्यायालयों में इसे सुने जाने का अधिकार है, इसे सुने जाने का अधिकार आपको अधिकार है, ये आपको देखने को मिलेगा। ओके, इसके अलावा जो चौथा पॉइंट है वो आपको देखने को मिलेगा, यह है, ओके, यह है भारत सरकार, यह है भारत सरकार के खिलाफ कोई केस नहीं लड़ सकता, कोई केस नहीं लड़ सकता। ओके, ये चीज आपको ध्यान रखनी है। ओके, नहीं लड़ सकता, पूरा लिख लीजिए, नहीं लड़ सकता, यानी कि भारत सरकार के खिलाफ कोई भी केस नहीं लड़ सकता, ना ही भारत सरकार के खिलाफ अगर कोई मामला चल रहा है उसमें वो सलाह भी नहीं दे सकता, भारत सरकार के खिलाफ सलाह भी नहीं दे सकता। ये चीज बहुत महत्वपूर्ण आपको देखने को मिलेगी। ओके, साथ में वह भारत सरकार के खिलाफ, भारत सरकार के खिलाफ मामलों में सलाह भी नहीं दे सकता,
सलाह भी नहीं दे सकता, नहीं दे सकता। ओके, ये चीज आपको ध्यान रखनी है, ये सलाह भी नहीं दे सकता भाई। ऐसा नहीं है हम केस नहीं लड़ रहे भारत सरकार के खिलाफ, लेकिन दूसरे को जाकर के बता दिया भाई ये चीजें हैं, ऐसे लड़ो तो जीत जाओगे तुम। तो बोले नहीं ऐसा भी नहीं कर सकते भाई, तुम भारत सरकार के लिए कार्यरत हो, तुम भारत सरकार के क्या हो, यहाँ पर अधिकारी हो, तुम भारत सरकार की क्या करोगे, जिस थाली में खाते हो सिम चेंज करोगे। बोले नहीं 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 भाई तुम ऐसा नहीं कर सकते, यहाँ पर इसको इस चीज के लिए रोका गया है। ओके, ये कौन सा पॉइंट था, ये चौथा पॉइंट था। ओके, इसके अलावा आपको देखने को मिलेगा कि यहाँ पर, ओके ये नोट करके लिखना चाहते हैं तो इसको नोट करके भी लिख सकते हैं, अगर उसके आगे ही कंटिन्यू रखना चाहते हैं तो कंटिन्यू भी रख सकते हैं। देखिए ये जो आपको देखने को मिलेगा कि ये कैबिनेट का सदस्य नहीं होता, कैबिनेट का सदस्य नहीं होता। अब कैबिनेट में किसी के लिए अगर सुझाव चाहिए होगा इससे संबंधित तो कौन देगा, तो वहां पर आपको विधि मंत्री देखने को मिलेंगे, तो वहां पर वो लोग कार्य करते हैं, लेकिन एक कैबिनेट का सदस्य नहीं होता, ये चीज आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा एक गवर्नमेंट का पूर्णकालिक, यह है गवर्नमेंट का मतलब सरकार का पूर्णकालिक वकील नहीं होता, पूर्णकालिक वकील नहीं होता, वकील नहीं है। ये चीज आपको ध्यान रखनी है, काफी इंपॉर्टेंट है, इसीलिए हमने हमने इसको नोट करके लिखाया है। और सातवां पॉइंट है, ये बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण आपको देखने को मिलेगा, ये आपको देखने को मिलेगा कि ये है सरकारी कर्मी नहीं है, सरकारी कर्मी नहीं है, नहीं है, यानी कि सरकारी कर्मी की श्रेणी में नहीं आता है, सरकारी कर्मी की श्रेणी में नहीं आता है, नहीं आता है। ओके, यानी कि ये सरकारी कर्मी की श्रेणी में नहीं आता, तो इसीलिए ये प्राइवेट प्रैक्टिस कर सकता है। देखिए भारत सरकार के खिलाफ ये केस नहीं लड़ सकता, लेकिन अगर ये प्राइवेट प्रैक्टिस करना चाहता, मतलब जैसे हम हैं भारत सरकार के खिलाफ नहीं लड़ रहे, लेकिन हमने क्या किया, पड़ोसी को मारा, बहुत मारा हमने। ओके, अब मारा, अब हम चाहते हैं हमको जेल बेल ना हो, तो हम क्या कर सकते हैं, हम कहेंगे महान्यायवादी हैं, वो हमारे क्या है, फर्जी लगते हैं, तुम हमारा केस लड़ो, तो वो क्या करेंगे, हमारा केस लड़ सकते हैं। ओके, हमारा केस लड़ सकते हैं, जमीन उमीन का विवाद होगा तब भी लड़ सकते हैं। लेकिन आपराधिक मामले में देखिए दो तरह के मामले होते हैं, हम आपको पहले ही पढ़ा चुके हैं, सिविल मामला होता है। ओके, और दूसरा आपको देखने को मिलेगा जो फौजदारी मामला होता है, मतलब जो सॉरी जो दीवानी मामला होता है, जो क्रिमिनल टाइप के होते हैं, जैसे मार कुटाई वाले होते हैं, किसी को मारने की कोशिश की, किसी की हत्या करने की कोशिश की। ओके, तो जो आपराधिक मामले होते हैं उनमें अगर ये केस लड़ना चाहता है, प्राइवेट प्रैक्टिस करना चाहता है, या फिर ऐसा केस लेना चाहता है, तो भारत सरकार से इसको अनुमति लेनी होगी एक बार। ओके, तो देखिए ये सरकारी कर्मी की श्रेणी में नहीं आता, इस कारण ही ये अपनी प्राइवेट प्रैक्टिस कर सकता है, प्राइवेट प्रैक्टिस कर सकता है। ओके, प्राइवेट प्रैक्टिस कर सकता है। ओके, तो ये चीज आपको देखने को मिलेगी, प्राइवेट प्रैक्टिस मतलब निजी मामले हैं उनको जाकर के लड़ सकता है, किसी व्यक्ति का है वो लड़ सकता है, अपने नुनू है जो झगड़ा कर रहे हैं उनका। ओके, लेकिन आपको देखने को मिलेगा यहाँ पर, लेकिन लेकिन आपराधिक मामलों में, आपराधिक मतलब जो क्रिमिनल मैटर होते हैं ना, तो आपराधिक मामलों में सरकार से मतलब गवर्नमेंट से अनुमति लेनी होगी, अनुमति लेनी होगी। ओके, तो ये चीज आपको देखने को मिलेगी। लेकिन वहीं अगर कोई सिविल मैटर है, ओके कोई सिविल मैटर है, तो उसमें जाकर के सरकार से भी अनुमति लेने की आवश्यकता नहीं है, वो केस लड़ सकता है जाकर के किसी व्यक्ति का। ओके, ये चीज आपको देखने को मिलेगी। आठवां पॉइंट है, वो आपको और ज्यादा महत्वपूर्ण देखने को मिलेगा। देखिए ये क्या करता है, ये सरकार को सलाह देता है, क्या देता है, ये सरकार को सलाह देता है, मतलब जो गवर्नमेंट है, जो गवर्नमेंट कौन सी, जो भारत सरकार है हमारी, ओके गवर्नमेंट है, इसको कानूनी सलाह देता है, कानूनी सलाह देता है, एक काम आपको इसका देखने को मिलेगा। ओके, इसके अलावा इसका जो एक और कार्य होता है कि अगर राष्ट्रपति द्वारा कोई इसे कार्य सौंपा जाता है, कोई कार्य
सौंपा गया है, सौंपा गया है उसे भी पूरा करता है। ओके, ये चीज आपको देखने को मिलेगी। इसके अलावा देखिए एक बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट है, जो जो भी जितने भी मंत्रालय हैं उनके लिए भी क्या देता है, कानूनी सलाह देता है। जो भी PSUs हैं, मतलब ऐसी जो कंपनियां हैं जो सरकारी कंपनियां हैं, इसके अलावा बहुत सारे ऐसे विभाग हैं, कोई भी है जो सरकार से संबंधित है, समझ लीजिए कोई वैधानिक आयोग है, वैधानिक निकाय है, कोई ले लीजिए XYZ ले लीजिए, उन सभी को ये सलाह दे सकता है। लेकिन सलाह ये तभी देगा जब इसके लिए, ऐसा करने के लिए कहा जाएगा, किससे कहा जाएगा, जो आपको विधि या न्याय मंत्रालय है वो मंत्रालय इससे बोलेगा, या फिर कोई वैधानिक मामले वाला जो आयोग है वो आयोग ऐसा करने के लिए बोलेगा, या फिर सरकार के द्वारा इस तरह से बोला जाएगा कि आपको कानूनी सलाह देनी है उसके लिए, तभी ये दे सकता है अन्यथा नहीं दे सकता है। तो ये चीज आप लोग नोट कर लीजिए, काफी महत्वपूर्ण आपको देखने को मिलेगी। ओके, और साथ में जो अभी हम आपको दो चीजें बताए थे लिख लीजिए, यहाँ पर नोट करके ही लिखना चाहते हैं, नीचे नोट करके लिख लीजिए। नंबर एक आपको देखने को मिलेगा महाधिवक्ता, महाधिवक्ता। ओके, और दूसरा आपको देखने को मिलेगा अपर महाधिवक्ता, अपर महाधिवक्ता। ओके, तो देखिए इन दोनों का उल्लेख आपको संविधान में देखने को नहीं मिलेगा। इनके पद के बारे में, संविधान में इनके पद का उल्लेख नहीं किया गया है। ओके, तो ये परंपरा अनुसार आपको देखने को मिलेंगे। ओके, तो ये सारी चीजें थी काफी इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट। अब हम लोग देखते हैं राज्य का महाधिवक्ता होता है उसके बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। ओके, एडवोकेट ऑफ जो स्टेट होता है उसके बारे में थोड़ा सा जानने का प्रयास करते हैं। तो ये आपको क्या डालना है, एक नेक्स्ट हेडिंग डालना है यहाँ पे। ओके, तो देखिए ये आपको देखने को मिलेगा राज्य का महाधिवक्ता, महाअधिवक्ता। ओके, तो देखिए इसका वर्णन आपको आर्टिकल 165 में देखने को मिलेगा। ओके, तो ये चीज जैसे उसमें 76 में था, इसमें आर्टिकल 165 में इस पद का उल्लेख किया गया, यानी कि राज्य का महाधिवक्ता है। ओके, इसको इंग्लिश में बोलते हैं एडवोकेट, एडवोकेट जनरल, जनरल ऑफ द स्टेट, ऑफ द स्टेट। इसका उल्लेख आपको संविधान में देखने को मिलेगा, यानी कि ये जो पद है ये पद संविधान द्वारा सृजित है, ये पद संविधान द्वारा सृजित है। ओके, संविधान द्वारा सृजित है। ओके, तो ये चीज आपको देखने को मिलेगी, लेकिन ऊपर के जो दो अभी हमने आपको बताए थे ओके वो नहीं है। लेकिन राज्य का महाधिवक्ता है, इसके पद का उल्लेख किया गया, हम बार बार इसके लिए बोल रहे हैं, आप लोग क्वेश्चन बिल्कुल भी गलत ना करें। ओके, तो ये चीज आपको देखने को मिलेगी। ओके, इसमें भी कुछ महत्वपूर्ण महत्वपूर्ण आपको आर्टिकल देखने को मिलेंगे, तो आप लिखना चाहते हैं तो लिख लीजिए। जैसे कि आपको आर्टिकल आर्टिकल 165 देखने को मिलेगा, इसमें बताया गया है कि जो राज्य का महाधिवक्ता पद है, महाधिवक्ता शॉर्ट में लिख देते हैं पद है, इसकी बात बात की गई है। इसके अलावा आपको देखने को मिलेगा एक महत्वपूर्ण आर्टिकल, आर्टिकल 177। तो आर्टिकल 177 है, वो बताया गया है कि जो राज्य का महाधिवक्ता है उसके विधायिका संबंधी अधिकारों के बारे में बताया गया, जैसे वहां पर संसदीय अधिकारों के बारे में बताया गया था, यहाँ पर राज्य विधायिका से संबंधित, राज्य विधायिका से जुड़े या फिर संबंधित अधिकारों के बारे में बताया गया। ओके, इसी तरह से आपको देखने को मिलेगा आर्टिकल 194। देखिए आर्टिकल 194 वो इसकी शक्तियों के बारे में, शक्तियों और साथ में विशेषाधिकारों, विशेषाधिकारों और साथ में इनकी प्रतिरक्षा संबंधी उपबंध इसमें आपको देखने को मिलेंगे। तो ये तीन आर्टिकल हैं जो आपको याद रखने हैं, महत्वपूर्ण हैं। अब हम लोग आगे आते हैं, तो देखिए जो चीजें वहां पर केंद्र के लिए थी वही चीजें आप स्टेट के लिए कर दीजिए। जैसे कि वहां पर नियुक्ति किसके द्वारा की जाती थी, राष्ट्रपति द्वारा। यहाँ पर नियुक्ति किसके द्वारा की जाएगी, राज्यपाल के द्वारा, क्योंकि राज्य का प्रमुख कौन होता है, राज्यपाल होता है। तो वो याद हो गया, ये ऑटोमेटिकली याद हो गया। जो कार्य केंद्र सरकार के लिए वहां पर महान्यायवादी करता था, वही सेम कार्य महाधिवक्ता, राज्य का महाधिवक्ता है वो राज्य सरकार के लिए करेगा। जैसे इसका वेतन भत्ता है
उसका वेतन भत्ता था वो सुप्रीम कोर्ट के जज के अनुसार होगा, इसका वेतन भत्ता होगा वो हाई कोर्ट के जज के अनुसार। यानी कि वही सारी चीजें क्या कर देनी है, राज्य के परिप्रेक्ष्य में कर देनी है, क्वेश्चन का आंसर निकलता चला जाएगा। ओके, तो चलिए हम लोग देखते हैं राज्य का महाधिवक्ता, राज्य का महाधिवक्ता। ओके, तो इससे संबंधित चीजें देख लेते हैं। ओके, तो ज्यादा चीजें आपको नहीं देखने को मिलेंगी। तो नंबर एक आपको देखने को मिलेगा कि ये राज्य का सर्वोच्च विधि अधिकारी होता है, विधि अधिकारी होता है। ओके, इसके अलावा अगर हम इसकी नियुक्ति की बात करें तो देखिए इसकी जो नियुक्ति है वो राज्यपाल के द्वारा की जाती है। ओके, नियुक्ति। इसके अलावा हम इसके कार्यकाल की बात करें तो ये भी आपको देखने को मिलेगा राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत पद धारण करता है। ओके, इसके अलावा अगर हम बात करें इसके हटाने की तो कौन हटाएगा, राज्यपाल ही हटाएगा। ओके, ये चीज आपको देखने को मिलेगी। अगर हम इसकी योग्यता की बात करें तो योग्यता क्या है, हाई कोर्ट का, जैसे वहां पर सुप्रीम कोर्ट के जज बनने की योग्यता, यहाँ पर हाई कोर्ट के जज बनने की योग्यता। ओके, जज बनने की योग्यता रखता हो। ओके, और इसी तरह से देखिए ये जो भी नंबर है, ये पहला है, ये दूसरा है, ये तीसरा है, ये चौथा है। ओके, ये चौथा है, इसके आगे का हम यहाँ पर लिख देते हैं पांचवा। तो अगर हम इसके कार्यकाल की बात करें, ओके, इसके अलावा हम इसके हटाने की बात करें, ओके, इसकी हटाने की बात करें और इसके वेतन भत्ते की बात करें तो ये छठा हो गया, सातवां हो गया। ओके, इन सभी का आपको देखने को मिलेगा संविधान में उल्लेख नहीं किया गया, संविधान में इसका उल्लेख नहीं किया गया है। तो संविधान में नहीं किया गया तो ये आपको देखने को मिलेगा राज्य का जो प्रमुख होता है राज्यपाल द्वारा किया जाता है। ओके, इसका वेतन क्या होगा, हाई कोर्ट के जो जज होते हैं जितना वेतन उनका होगा उतना ही वेतन इसका होगा। और एक चीज आपको बताना हम भूल गए हैं, जो महान्यायवादी होते हैं या फिर महाधिवक्ता होते हैं, इनको उसी तरह से जब आपको देखने को मिलेंगे जो इस संसद में जब इस तरह से जाकर के भाग लेते हैं, तो जो भी सुविधाएं सांसद को दी जाती हैं, इसी तरह से विधायक को, राज्य में होगा तो विधायक को जो भी सुविधाएं दी जाती हैं, वही सारी सुविधाएं, वेतन भत्ते फैसिलिटी सब वैसी ही सांसद की तरह इन लोगों को दी जाती हैं, बस इन्हें मतदान का अधिकार होता है। ये चीज आपको ध्यान रखना है और सेम चीजें, वही सारी चीजें हैं जो आपको देखने को मिलेंगी। ओके, अगर आप सोचते होंगे कि यहाँ पर हम एक चीज नहीं बताए कि हाई कोर्ट के जज बनने के लिए योग्यताएं क्या होनी चाहिए, तो देखिए एक क्या होगा भाई, सिटीजन ऑफ इंडिया होना चाहिए। दूसरा क्या होना चाहिए, 10 साल तक का अनुभव होना चाहिए, यानी कि कोई व्यक्ति है वो विधि अधिकारी रहा है 10 साल तक, या फिर 10 साल तक उसने हाई कोर्ट में वकालत की है। ओके, तो वो व्यक्ति क्या बन सकता है, हाई कोर्ट का जज बन सकता है। जब हाई कोर्ट के जज बनने की योग्यता होगी तो वो राज्य का महाधिवक्ता भी बन सकता है। यानी कि 10 साल तक अगर वो कोई न्यायिक अधिकारी रहा हो, न्यायिक अधिकारी रहा हो या फिर 10 साल तक उसे हाई कोर्ट में वकालत करने का मौका मिला हो, ओके, तो वो क्या बन सकता है, वो बन सकता है। ओके, ये चीजें थी राज्य महाधिवक्ता। अब हम लोग क्वेश्चन देखते हैं, बहुत महत्वपूर्ण है एमसीक्यूज की अभी आप लोगों के लिए प्रैक्टिस कराते हैं। ओके, चलिए हम लोग चलते हैं एमसीक्यूज के ऊपर। ए बीच में आगे इसको भी बता देते हैं, देखिए जो विजन टेस्ट सीरीज है, जो लोग इस बार पेपर दे रहे हैं, यानी कि जो लोग 2022 का पीटी दे रहे हैं वो लोग इसको ज्वाइन कर सकते हैं। ये आपके लिए 2 दिन मिला करेगी, बीच में अभी बुधवार को और संडे को। ओके, तो संडे को और प्लस वेनेसडे को भी हम प्रोवाइड कराएं, अभी वेनेसडे वाला हमको नहीं पता है, लेकिन वेनेसडे को भी मिलेगी, लेकिन संडे को तो कंफर्म आप लोगों को मिला करेगी दोपहर 12 बजे आएंगे। तो ये हिंदी में, ओके, ये किस में है, ये हिंदी में विजन की टेस्ट सीरीज है, वो आपको सॉल्व कराई जाएगी, आप लोग आकर के ज्वाइन करिए, बहुत ही महत्वपूर्ण चीज आपको देखने को मिलेगी। ओके, इसके अलावा जो आईएएस बाबा मैगजीन है, ये भी आपकी शाम 5 बजे डेली 5 PM पर
ये आपको कवर कराई जाएगी और ये वन ईयर तक, ओके वन ईयर की कवर कराई जाएगी। 2022 का अगर आप लोग पेपर दे रहे हैं तो आप लोग इसको आकर के ज्वाइन कर सकते हैं। 2022 का पीटी पूरे एक साल की जितनी भी मैगजीनियन की जुलाई से लेकर के और इस आपको देखने को मिलेगा मई तक की सारी कवर कराई जाएंगी। ओके ये चीजें आपको देखने को मिलेंगी। और जो हमारा एक नया बैच है वो स्टार्ट हो गया है, सेकंड फाउंडेशन बैच, इसमें आप लोग एडमिशन लेना चाहते हैं। सेकंड फाउंडेशन बैच में वो हमारा पुराना बैच है, अचीवर बैच है, नया बैच हमारा स्टार्ट हुआ है। अभी आपको देखने को मिलेगा परसों से नई क्लासेस स्टार्ट हो रही है इसमें, भू आकृति विज्ञान से आप लोग इसमें ज्वाइन कर सकते हैं आकर के। यहाँ पर आपको लाइव क्लासेस, टेस्ट, असाइनमेंट सब कुछ ए टू जेड दिया जाता है और इसकी जो फीस है वो 99 रुपए प्रति मंथ आपको देखने को मिलेगी। अगर वन टाइम पेमेंट करते हैं तो 999 रुपए में आपको फुल कोचिंग दी जाएगी। डेढ़ साल तक यहाँ पर आपको सब कुछ मिलेगा, यानी कि यहाँ पर आपको 1377 रुपए वो इंस्टेंट ऑफ हो जाएगा वन टाइम पेमेंट करने पर, मतलब 60% का हैवी डिस्काउंट आप लोगों के लिए दिया जा रहा है। डिस्काउंट के लिए आप लोग इस कोड का उपयोग कर सकते हैं, वन टाइम पेमेंट अगर आप लोग यूज करते हैं तो RGSIR9 इस कोड का आप लोग यूज करेंगे तो आपको 60% है वो इंस्टेंट ऑफ मिल जाएगा। जाकर के जल्दी से एडमिशन ले लीजिए, वहां पर आपकी सब कुछ चलती है। अधिकांश जो अधिक जानकारी के लिए आप लोग इस वाली प्लेलिस्ट हमारी यूट्यूब चैनल पे जाएंगे, इसमें अचीवर बैच IAS फॉर PCS आपको लिखा होगा, ये प्लेलिस्ट में जाएंगे, इसका जो लिंक है वो कमेंट बॉक्स में दे दीजिएगा, नहीं दिख रहा है तो कमेंट कर दीजिए। यहाँ पर आपको डेमो वीडियो भी दिख जाएंगी, जो डेमो वीडियो चल रही है अभी। और ये भी क्या है, ये सेकंड फाउंडेशन बैच की क्लास चल रही है। इसी तरह से आपको देखने को मिलेगा ज्योग्राफी की क्लास चल रही है, वो आप लोग देख सकते हैं जाकर के डेमो क्लास। यहाँ पर बहुत सारी डेमो क्लास पड़ी हुई है और यहाँ पर ही आपको वीडियो मिल जाएगी अधिक जानकारी के लिए, ऑल अबाउट सेकंड फाउंडेशन अचीवर बैच। ओके तो ये चीजें आप लोग जाकर के देख सकते हैं। चलिए हम लोग आते हैं थोड़ा सा MCQs के ऊपर। देखिए यहाँ पर भी MCQs दिए रखे हैं बहुत सारे, ओके ये बहुत सारे MCQs हैं, इनको अभी इनको आपको सॉल्व करना है। अभी हम दूसरी स्लाइड पर ले चलते हैं, वहां पर और महत्वपूर्ण है, उनको हम जाकर के सॉल्व करेंगे। ओके ये देखिए ये वाला बैच है अचीवर बैच, हमारी ऐप इंस्टॉल करेंगे जाकर के गूगल प्ले स्टोर पर मिल जाएगी क्लब IAS स्टूडेंट के नाम से। तो ये हमारा ओल्ड बैच है, सेकंड फाउंडेशन बैच, न्यू बैच है वो अचीवर बैच है, इसी में नई क्लासेस हैं वो स्टार्ट हो रही हैं। इसकी जो फीस है 2376 रुपए देखने को मिलेगी, लेकिन RGSIR9 कोड का यूज करेंगे तो इसकी फीस है वो 999 रुपए ही हो जाएगी। और यहाँ पर जो क्लास चलती है वो 7 बजे से, शाम 7 बजे से लेकर के 9 बजे तक चलती है। और अभी परसों से नया बैच हमारा, मतलब नया टॉपिक एकदम स्टार्ट हो रहा है, जाकर के जल्दी से आप लोग एडमिशन ले लीजिए। ओके और यहाँ पर देखिए हम इस तरह से सारी चीजें प्रोवाइड करेंगे, कितने घंटे की कौन कौन सी क्लासेस हैं, किस तरह से आपको कोर्स कंप्लीट होगा, ये सब कुछ वहां पर बताया। चलिए हम लोग चलते हैं अपने MCQs के ऊपर और आपकी प्रैक्टिस कराते हैं MCQs की। ओके तो देखिए आपको MCQs देखने को मिलेंगे, चलिए हम लोग जल्दी जल्दी इसकी प्रैक्टिस करते हैं। थोड़ा सा कलर चेंज कर लेते हैं, इसको थोड़ा सा इस तरह से मोटा कर लेते हैं, तो देखिए आप लोगों को दिख रहा होगा एक्चुअली। ओके ओके पेन इधर कर लेते हैं, तो देखिए पहला क्वेश्चन है, इसको ध्यान से पढ़िएगा। अब देखिए आपको इतना पढ़ा दिया है ना, बाहर नहीं आने वाला, देखना कि सारे के सारे क्वेश्चन हलवा की तरह आपके हो जाएंगे। और जो PPT है ना वो भी जाइएगा, उसमें बहुत सारे क्वेश्चन पड़े हुए हैं उनको भी आप लोग लगाइएगा। और इस PDF को चाहते हैं ये भी PDF आप लोगों के लिए मिल जाएगी, सभी मिल जाएंगी। ऐप में जाएंगे वाली अपलोड कर दीजिए, वहां पर जाकर के टेस्ट ले सकते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन है भारत के महान्यायवादी, देखिए आपको ये चीज ध्यान रखनी है, महान्यायवादी पूछा या फिर महाधिवक्ता पूछा, वरना क्वेश्चन गलत हो जाएगा। तो जैसे जो की पॉइंट होते हैं ना उनको हाईलाइट कर लिया करिए, हाईलाइट करेंगे तो काफी आपको मदद मिलेगी। देखिए भारत के महाधिवक्ता के संबंध में निम्न कथनों में से कौन सा सत्य है, और दूसरा यहाँ पर भी आप लोग अंडरलाइन किया करिए, क्योंकि कभी कभार ऐसा पूछ लेगा सत्य की जगह असत्य है की जगह नहीं पूछ लेगा, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज हो जाती है। तो देखिए यहाँ पर बोला है कि महाधिवक्ता से संबंधित कौन सा कथन सही है, तो हम पढ़ते हैं। पहला देखिए वह भारतीय सीमा के अंदर किसी भी न्यायालय में जाने का अधिकार रखता है, ओके सही बात है, भारत के अंदर अब पाकिस्तान जाकर के नहीं लड़ेगा। ओके वह अपने कर्तव्यों का निर्वहन केवल सर्वोच्च न्यायालय में करता है, नहीं पूरे भारत में करता है, ये क्या हो गया ऑप्शन गलत हो गया। चलिए हमको पता चल गया बी ऑप्शन गलत हो गया, उसका एक निश्चित कार्यकाल होता है, नहीं भाई अभी हम आपको बताए राष्ट्रपति के पद पर्यंत पद धारण करता है, एकदम नहीं। ओके और भारत राष्ट्रपति उस व्यक्ति को भारत का महान्यायवादी नियुक्त करते हैं जिसमें एक उच्च न्यायालय का न्यायाधीश बनने की योग्यता हो, ओके उच्च न्यायालय के न्यायाधीश बनने की योग्यता हो। इसके अलावा हमने कहा कि उच्च न्यायालय है नहीं बल्कि सुप्रीम कोर्ट हम आपको बताए थे, ये क्या है उच्च न्यायालय है मतलब हाई कोर्ट है भाई, हम आपको क्या बताए थे सुप्रीम कोर्ट,
ओके, क्या बताए थे? सुप्रीम कोर्ट बताए थे। हाई कोर्ट में क्या है, राज्य का जो महाधिवक्ता होता है ना, बस एक छोटी सी चीज, छोटी सी क्या कर देती है, क्वेश्चन को गलत कर देती है। इसीलिए आप लोग ध्यान पूर्वक सभी चीजें सुनेंगे, क्या हो गए एकदम राजा बन के रहेंगे। इसीलिए कभी भी जब भी क्वेश्चन को सॉल्व करें, हड़बड़ी में ना करें, थोड़ा सा अपने मन को शांत रखें, कूल रखें, ओके, जैसे मूवी देखते हैं वैसे। ओके, तो क्या हो गया, ये भी गलत हो गया भाई, क्योंकि हाई कोर्ट नहीं किया, सुप्रीम कोर्ट होगा। ओके, तो ये क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा, ए आंसर मिल गया हमको एकदम सही। ओके, चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं और देखते हैं इसका आगे का क्वेश्चन। तो ए देखिए, दूसरा क्वेश्चन दिया रखा है, भारत सरकार का प्रथम विधि अधिकारी कौन होता है? तो एकदम आंख बंद करके लगा दीजिए, भारत का महान्यायवादी। ओके, इसमें आपको देखने को मिलेगा कि, और हाँ, सॉलिसिटर जनरल होता है वो दूसरा होता है, अगर आपसे कभी पूछ ले तो आप लोग ध्यान रखिएगा, सॉलिसिटर जनरल होता है वो दूसरा होता है, पहला कौन होता है, महान्यायवादी होता है। ओके, इसी तरह से चलिए तीसरा क्वेश्चन पे आते हैं। इसमें पूछा गया, निम्न में से कौन सा राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत अपना पद धारण करता है? तो देखिए, ये तो नहीं है, ये अभी जस्ट आपको पढ़ाए हैं, ये वाला आपको देखने को मिलेगा, भारत का महान्यायवादी। ओके, क्योंकि इनके जो पद हैं, इनके बारे में संविधान बताया गया है, इनके कार्यकाल के बारे में आपको देखने को मिलेगा, लेकिन महान्यायवादी के कार्यकाल के बारे में नहीं बताया गया। इनके प्रसाद पर्यंत पद धारण करते, जब चाहे तो राष्ट्रपति उठा करके बुला लेंगे इसको। ओके, ये चीज आपको देखने को मिलेगी। चलिए हम लोग थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन बोलता है, भारत में कौन संसद के किसी सदन का सदस्य ना होते हुए, यानी कि वो किसी भी सदन का सदस्य नहीं है, ना होते हुए सदन के किसी सदन की कार्यवाही में उपस्थित रह सकता है? हमने आपको बताया, एकमात्र लोक अधिकारी है, एकमात्र लोक अधिकारी, दिमाग में रख लीजिए, कौन है वो, महाधिवक्ता है? नहीं, भारत का महाधिवक्ता ये कौन है, ये दूसरा विधि अधिकारी सबसे बड़ा भारत का देखने को मिलेगा। ओके, सॉलिसिटर जनरल जिसको बोलते हैं, ये तो नहीं है भाई। ओके, नियंत्रक महालेखा परीक्षक नहीं है भैया। ओके, इसके अलावा उपराष्ट्रपति आपको नहीं देखने को मिलेगा। ओके, ये कौन है भाई, ये व्यक्ति हमको मिल गया कौन है, यही संसद का सदस्य नहीं होता है, और उसको क्या होता है, अधिकार होता है, भारत जो सॉरी भारत का महान्यायवादी, इसको अधिकार होता है संसद की संयुक्त बैठक को, या फिर उसकी दोनों दोनों सदन, जो अपर हाउस और लोअर हाउस, दोनों में वो जाकर के कर सकता है। ओके, इसके अलावा संसद के किस अनुच्छेद में भारत के महान्यायवादी के कार्यकाल की व्यवस्था की गई है? ओके, तो ये आपको देखने को मिलेगा उनके प्रसाद पर्यंत से संबंधित, ये आपको देखने को मिलेगा 78। ओके, चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं और इसको नेक्स्ट देखने का प्रयास करते हैं। ओके, अब देखिए ये आपको देखने को मिलेगा, यहाँ पर आंसर ही दिख गया देखो। ओके, ये देखिए आपको देखने को मिलेगा, ओ सॉरी, ये आपको देखने को मिलेगा 76 है। ओके, ये अब 78 शायद मैंने लगाया था, या पता नहीं 76 लगाया था, आप लोग देख लीजिएगा। ओके, इसके अलावा आपको देखने को मिलेगा, भारत के महान्यायवादी के वेतन भत्तों का निर्धारण कौन करता है? कौन करता है भाई, महान्यायवादी है तो कौन करेगा, राष्ट्रपति करेगा। अगर वहीं अगर हम राज्य की बात करते हैं तो कौन करता है, राज्यपाल करता है। ओके, इसके अलावा साथ में आपको देखने को मिलेगा, भारत का महाधिवक्ता किसे उसके कार्यों में सहायता प्रदान करता है? तो कौन करता है भाई, आपको देखने को मिलेगा महान्यायवादी। ओके, ये जो है ये किसके कार्यों में सहायता प्रदान करता है? तो अभी हम आपको बताए थे हायरार्की बताए थे, तो आपको पता है भारत का जो महान्यायवादी है उसके कार्यों में सहायता देने के लिए सॉलिसिटर जनरल है, जिसको दूसरा विधि अधिकारी बोलते हैं, उसको नियुक्त किया जाता है। तो इसकी सहायता के लिए होता है, अब इसकी सहायता के लिए कौन होता है, इसकी सहायता के लिए अपर महाधिवक्ता होता है। ओके, इससे भी नीचे भाई, इसका भी तो कुछ चुट्टू पट्टू चाहिए, तो ये चीज आपको देखने को मिलेगी। ओके, इसी तरह से चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं, एक्चुअली बोर्ड ठीक से काम नहीं कर रहे हैं, कर रहे हैं थोड़ा सा। ओके, इसी तरह से अब क्या आ गया, यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा कि राज्य के महाधिवक्ता की बात आ गई, तो अभी हम क्या पढ़ रहे थे, केंद्र के पढ़ रहे थे, अब आपको उसी तरह से राज्य का देखने को मिलेगा। चलिए हम लोग देखते हैं, उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के समान, उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के समान राज्य के महाधिवक्ता की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है? अरे नहीं भाई, राष्ट्रपति द्वारा कब की जाती है, राज्यपाल के द्वारा की जाती है। अब राज्यपाल के द्वारा की जाती है तो कौन सा सत्य है पूछा, चलिए हमको क्या मिल गया, की पॉइंट मिल गया, तो क्या हो जाएगा, पहला गलत हो जाएगा, तो ये ऑप्शन गलत हो गया, ये ऑप्शन गलत हो गया, ये ऑप्शन गलत हो गया। अरे बिना पढ़े ही क्या लिख लिया, आंसर लिख लिया, इसका कौन सा ऑप्शन सही होगा, बी सही होगा। देखा, मल्टी चॉइस क्वेश्चन होते हैं वो बहुत ज्यादा सिंपल हो जाते हैं, अगर इसी में क्या हो जाता, थोड़ा सा आप गड़बड़ा जाते हैं, राज्य के महाधिवक्ता की जगह आप लोग इसे महान्यायवादी सोच लेते हैं ना, तो क्या हो जाता, खेल जाते हैं आप,
और जैसे ही आपको क्या हुआ, एक आपने लाइन पढ़ी, ऑप्शन देखे, तीन ऑप्शन ऑटोमेटिकली गलत हो गए, अब कौन सा सही हो गया आपको देखने को मिलेगा, बी सही हो गया। ओके, क्योंकि ये वाला सही है, ये आपको देखने को मिलेगा। एक व्यक्ति जो उच्च न्यायालय का न्यायाधीश बनने की योग्यता रखता है उसे राज्य का महाधिवक्ता नियुक्त किया जा सकता है। यस, क्योंकि उच्च न्यायालय है, यहाँ पर हाई कोर्ट की बात है और यहाँ पर क्या है, राज्य के महाधिवक्ता की ही बात कर रहे हैं, इसीलिए दूसरा सही है, इसीलिए ये वाला ऑप्शन गलत हो जाता है, क्योंकि इसमें दिया रखा है ना ही एक ना ही दो, तो इसलिए डी वाला ये गलत है। ओके, चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं और देखने का प्रयास करते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन बोल रहा है, वैसे आप लोग खुद लगा लीजिए, अगर ये हमारे पीडीएफ है आपको मिल जाएगी, हमारी ऐप में जाएंगे तो वहां पर टेस्ट पड़ा हुआ है ऑलरेडी। अगर आप लोग वैसे सॉल्व करना चाहते हैं तो व्हाट्सएप पे मैसेज कर दीजिए, वहां भी आप लोगों के लिए ये पीडीएफ सेंड कर दी जाएगी। ओके, चलिए इस वीडियो को यहाँ पर ही फिनिश करते हैं और अच्छे से इसी तरह से पढ़ाई करते रहिए। कल भी आपको 2 बजे 2 PM पर आपको पॉलिटी की नेक्स्ट क्लास मिलेगी। ओके, किसकी, पॉलिटी की नेक्स्ट क्लास आप लोगों को मिलेगी, डेली 2 बजे आप आया करेंगे, संडे को छोड़ करके आपको डेली पॉलिटी की यहाँ पर एक क्लास मिला करेगी। ओके, चलिए हम आज का लेक्चर यहाँ पर ही